डुंगळीना भाव मुद्दे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडानुं निवेदन सामे आव्युं छे। खेडूतोने नुकसान न थाय ते माटे सरकार प्रतिबद्ध छे। सरकारी खेडूतो सरकारी संस्थाओं डुंगळीनी खरीदी करशे। कृषि मंत्रीनुं निवेदन सामे आव्युं छे। नाफेडे सहित संस्थाओने कामगीरी सौंपवामां आवशे। मार्केटमां डुंगळीनी अछत न ऊभी थाय तेवो प्रयास हाथ धरवामां आवशे। नाफेड द्वारा भाव नक्की करवामां आव्या छे। निकास पर प्रतिबंध हटाववा मुद्दे कमिटी नक्की करशे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, महाराष्ट्र और गुजरात में खास करके प्याज को लेकर के जो बैन लगा हुआ है उसको लेकर के किसान सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये बैन उनके लिहाज से, उनकी किसानी के लिहाज से ठीक नहीं है। आप लोगों की तरफ से क्या फैसला किया गया है, कब तक ये बैन हट सकता है? देखिए, ऐसा मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसान के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो, और उसके वैकल्पिक व्यवस्था के दृष्टि से अभी तत्कालिक रूप से नाफेड और हमारी जो सहकारी संस्था है वो क्रय कर रही है। किसानों को रेट में कोई कमी नहीं आएगी। जो रेट किसानों की अपेक्षा है उस रेट में वो खरीद की जा रही है। देश में किसी को कठिनाई न हो और किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो। कब तक ये बैन रह सकता है, पॉसिबिलिटी कब तक? देखिए, इस बारे में हमारे एक कमेटी है, उस पर चर्चा होने के बाद ही कहा जा सकता है।